एक बात खान खुलकर सुन लो, अगर तुम दोनों ने मुझको अगर परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम दोनों को खून कर दूंगा और मैं खुद की आत्महत्या कर लूंगा। नहीं 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 बेटे, नहीं, तू क्यों आत्महत्या करेगा बेटे, तुझे आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया, जब हमारी और अंगूरी की किस्मत में लगे ताले तो फिर तेरा क्या दोष बेटे है? भैया लेकिन एक बात तो बताओ, अब सिचुएशन क्या आएगा वहाँ पे? कुछ नहीं, सिचुएशन क्या बेटे, सिचुएशन को तो बदल थोड़ी ना गई है। मतलब तुमने विभूति सेठ जी की बॉडी से समझौता कर लिया? अब नहीं, मतलब सेठ जी मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। देखो बेटे, कल अंगूरी का जन्मदिन है, तुम सबको आना है और ये खबर सबको बता भी देना, ठीक है? भैया मेरे दिमाग में क्या ना मोटो आइडिया आ रहा है, हम एक काम करते हैं, विभूति भैया की जो बॉडी है ना, मतलब मेरा मतलब है जो वो बॉडी है, वहाँ को अपन ना अमेरिका भेज देते हैं, वहाँ पर डॉक्टर लोग है ना जहाँ बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, आपको काम बन जाओगे। वाह सारे करवे का बात कह दी भैया, ठीक है, एकदम सही कह रहे हो, वहाँ के डॉक्टर ना विभूति भैया की बॉडी को ना औरत की बॉडी बना देंगे, अब प्लास्टिक तो मुंबई में बंद वो है, अमरीका में ना वो बंद, समझ गए? सेठ जी आइडिया बुरा ना है। खर्चा पानी कौन देगा तेरी अम्मा? तो फिर रहो एक मर्दानी बॉडी के साथ, हमें क्या? आप हमको देख लिएगा? देख भी लिया भाभी जी और समझ भी लिया। हाय व्हाट अ साइट भाभी जी, क्या मंजर था। भाभी जी आपका अंग अंग रूप रंग कान्हा जी के लिए तरसता है और हमारा अंग अंग आपके लिए तरसता है। आ क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या बताऊं, आज का जो दिन है ना वो हमारे लिए बेहद खास है, हसीन है, स्पेशल डे फॉर मी। ऐसा क्या खास है आज का दिन? भाभी जी ठीक आज ही के दिन कुदरत के मुसव्विर ने एक ऐसी मूर्ति तैयार की थी जिससे हमें इश्क है। अच्छा कहाँ है वो मूर्ति? हमारे सामने खड़ी है। आ, का बोले? मैंने कहा भाभी जी वो मूर्ति हमारे दिल में है, धड़कन में है, सांसों में है। आप कहा बोलते हैं हमारी कछु समझ नहीं आता है। भाभी जी जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन कयामत नहीं आ जाएगी। कहा बोले? मैंने कहा भाभी जी छोड़िए, ये बताइए कि आपको शरीर में कैसा लग रहा है? आरामदायक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगता है हमारा बॉडी में? आनंददायक, एक मखमली एहसास, रूह शाद शाद हो गई भाभी जी। In short, it's a very satisfying experience. I love this body. लेकिन आपका बॉडी कभी कभी थोड़ा तकलीफ देता है। Really? क्या 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 प्रॉब्लम है आपको भाभी जी इस शरीर में? आपका हाजमा खराब रहता है का? Well, भाभी जी, बस nothing major, like
कभी कभी थोड़ा बस गैस हो जाती है। हाँ, हम वही महसूस कर रहे हैं। Well, भाभी जी, I'm sorry. I'm really very, very sorry, भाभी जी. I'm genuinely sorry. अब भरवती जी, हम तो एक तो बात बताना ही भूल गए आपको। बोलिए ना भाभी जी। वो कहा है कि आज हमारा हैप्पी भद्दे है। भाभी जी, भद्दे तो आपके लड्डू के भैया हैं। आप शायद बर्थडे कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, आपका बर्थडे हो और हम भूल जाएं? ऐसे तो हालात नहीं। फिर काहे ना आए किए आप हमको? इस विश भाभी जी, इस विश। ऐसे ही पकड़े हैं। कैसन बा भभूति जी। ये क्या कर रहे हैं आप? Keep your hands to yourself, okay? मैं देख रहा हूँ आप कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हैं मुझसे। और हमसे बिल्कुल ना ही चिपक रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि आज शाम हम अपने घर में एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। क्या है कि अंगूरी का जन्मदिन है ना, तो आप जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। भाभी जी का बर्थडे हो और हम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऐसा है कि हम चाहेंगे कि आप जो है शिफॉन की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहन कर आए। क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर्द होकर साड़ी और ब्लाउज पहन कर आऊंगा? भाभी जी, ही इज अ पर्वर्ट। आप कैसे रहती हैं इस आदमी के साथ? ही इज अ सिक मैन। ओह गॉड। बाय बाय भाभी जी, सी यू लेटर एलिगेटर। लड्डू के भैया, अगर आप कहें तो हम आपके लिए शिफॉन की साड़ी और स्लीपलेस ब्लाउज पहन लें। वो स्लीपलेस ब्लाउज नहीं, स्लीवलेस ब्लाउज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और लड्डू के भैया का आए नाराज रहते हैं। लड्डू के भैया, वो पगली हैप्पी बर्थडे पगली। थैंक यू वेरी स्मूथ लड्डू के भैया। वैसे शब्द फिलहाल तुम्हारी जुबान से अच्छा नहीं लग रहा पगली। आ, का बोले? हमने कहा थैंक यू वेरी मच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। आइए आइए भरभूती जी। वेल 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 भाभी जी, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन आपको बहुत 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 मुबारक हो। आप इसी तरह हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, महकती रहें, आशिकों को दिल बुलाती रहें। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। थैंक यू वेरी मच भरभूति जी। यू आर वेलकम भाभी जी। तो आइए फिर इसी बात पर गले मिलने। भरभूति जी आई, अपने पैजामे में रहिए। भाभी जी का बर्थडे, मुझसे क्यों गले मिल रहे हैं आप? ऑलरेडी के भैया, आप हमसे गले ना ही मिले, फांसी पर लटक जाए। का बोले? कछू नहीं। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी लाडली। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। I'm sorry अंकल जी, आप गलत पार्टी को विश कर रहे हैं। भाभी जी इज हियर। हैप्पी बर्थडे बच्ची, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप हर साल हमारे बर्थडे पर ये गुड़िया गिफ्ट करते हैं। क्योंकि ये गुड़िया देखकर मुझे हमेशा तेरी याद आती है, पर पता नहीं अब आगे आएगी कि नहीं। दाइडू, बहुरिया, अम्मा जी, आप प्रणाम कर रहे हैं, आइए आइए। हैप्पी बर्थडे बहुरिया। हेलो आंटी जी। थैंकू 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 अम्मा जी, थैंकू। जुग जुग जियो, दूर हटो, जुग जुग जियो। का है अम्मा जी, हम थोड़ा इमोशनल हो गए थे। भाभी जी, आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत भावुक हो गए थे। लेकिन अंगूरी बच्चा, इतना भी इमोशनल मत हो के माता जी इमोशनल हो जाएं खड़े खड़े। अरे दादा ले भैया, भाभी अंगूरी जी को हैप्पी बर्थडे है गो। हप्पू सिंह जी, आपने आंखों की जगह गुलाब जामुन चिपका रखे हैं क्या? Can't you see भाभी जी is there? हाउ हाउ, अरे अरे वो कहां से, सुन कंफ्यूजन बहुत हो रहा है ये चक्कर में, ले आओ ले आओ वापस करो। अरे दादा गलती हो गई, भाभी अंगूरी आपको हैप्पी बर्थडे है गो, हमारी तरफ से लियो। थैंकू थैंकू हप्पू सिंह जी। और विभूति भैया कह रहे हो?
क्या है बे, दिख नहीं रहा हाल क्या है? अरे विभूति सेठ जी, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या वकील है इसका है? तू भी बोल ले, मुंह का ढक्कन खोल ले। ना ना भैया जी, मुंह को ना बोलना कछु भी ना। अब भाई हो गया, मेरा ख्याल बहुत हो गया। हैप्पी बर्थडे हो गया, अब केक वेक काटा जाए। अंगूरी बेटा, केक काटो बेटे। अंकल जी, अंगूरी बेटा, केक काटो बेटा। आ, आ, केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो भाई फिर टूट पड़ो, चलो जाओ। खाओ भाई खाओ, मैंने इंतजाम किया, सब खाओ खाओ। लौंडो बनाओ यार, एक सही है हमारा। खाओ खाओ, मेरी बच्ची के बर्थडे में खाओ। क्या हो गया डैडू? कच्चे बने यार, मेरी अंगूरी को क्या हो गया? ये क्या हो गया? चिंता नहीं कीजिए डैडू, हमारी बाबा से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि शाम को भभूति और अंगूरी को लेकर आए, वो पार्टी के बाद पार्टी बदल लेंगे। पार्टी के बाद दोनों पार्टियां बदल जाएंगी? कच्चे बने यार, मेरे कच्चे बने यार। अब कायम मार दिया, खुशी के मारे मारा है बेटा, खुशी के। काल कपाल महाकाल, तोड़ दे जाल, दिखा दे कमाल, कर दे धमाल, बोले बोले ओ मेरे बटवा, आ जाओ। दोनों आंखें खोलो, अब तुम अपने अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हो। बाबा, हमारी अंगूरी ठीक हो गई ना? तब इसको पता है, अबे तू खुद ही पूछ ले। अंगूरी अलग चुके भैया, एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो पगली। अपने करके आपके पास लेके आऊंगा। नहीं भाभी जी, ब्लाउज दे दूंगा आपको, मैं इसको रख लूंगा एज अ सोवेनिर भाभी जी, एज अ लाइक मोमेंटो। आप सुनिए पंडित जी, आप बहुत बड़ा उपकार किए हैं हम पर, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले लालक निरंजन। चलो पगली, निकल कहीं और कोई यातना बदली ना हो जाए, चलो निकल। कपड़े बदलना है। ओके बाबा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। क्या थैंक यू? अबे तुम्हारी बीवी कहाँ है? अब वो एक्चुअली वो अपना लखीमपुर खीरी में है। तो इसके चक्कर में क्यों है? ये नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। बोले आलोक निरंजन। पीके बहुत नाटक करने लग गए, मेरे पानी को डब्बो गिरा दो यार। इतनी बार कूट चुका है भूतनी का, फिर भी सुधरने का नाम ना ले रहा है। मैं तो कह रही हूँ हत्ते चढ़ गया ना तो कूट डालूंगा साले को। हाँ यार सही। अरे विधि भैया, राम राम। अरे जय राम जी की सेठ जी। हाय दिया। अ गुड मॉर्निंग टीका मलखान टिल्लू भैया। और हम आप सबकी अंगूरी भाभी हैं, भरभूति जी नाही। भाभी, भाभी जी आप ठीक है गई? भाभी जी हाँ हम ठीक हो गए और अपने शरीर में वापस भी आ गए।
मतलब आप विभूति सेठ जी ना हो, आप हमारी अंगूरी भाभी हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो बॉयज, हेलो भाभी जी। हेलो विभूति जी। विभूति सेठ जी, तू कहाँ से आ रहा है? वही आप जंगल जाके आ रहे हैं। तू हाथ धोए? मिट्टी से धो लिया। ना 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 ना, डोंट टच मी। भैया आप ठीक है गए? भैया या भैया, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गुड, कसम से कह रहा हूँ भैया, कसम से भैया। आप और भाभी जी नॉर्मल है गए? या भैया, आज मैं पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात पीता रहूंगा जा खुशी में। भैया पीता रहूंगा रे। पी के गाड़ी में चलाइयो। लेकिन भैया आप गाड़ी की बात कर रहे हो, मैं साइकिल तक ना चलाऊंगा। गुड लल्ला, आ जा यार। हाथ दूर रखो यार अपने। भाभी जी, विभूति सेठ जी। चल भैया इंतजाम करते हैं, आजा सीधा सोनपाल के ठेके पे चल ले। सारे भावुक हो रहे हो बहुत, आजा। I'm hygienic bunch of people. कितने खुश हैं वो लोग। I know भाभी जी, ज्यादा ही खुश हैं ये लोग। हाँ बहुत खुश हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और महाराज, भैया हमने सुनी है कि तुम भाभी अंगूरी को शरीर छोड़ के अपनी खुद की चोला में घुस गए हो। सही सुना है आपने। I'm back to myself. I am again विभूति नारायण मिश्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें बड़ी खुशी हो रही है जब आज जान के जाको, मतलब जो है कि अब प्रेजेंट टाइम में तुम भैया विभूति हो। वो बोल तो रहे हैं कि वो पूरी तरह से विभूति जी बन गए हैं। अच्छा भाई भाई, हम बहुत काम बाकी हैं। दरोगा जी, मैं 100% शत प्रतिशत खालिस एकदम विभूति नारायण मिश्रा। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसो ऐसा सर, बम्मा साहब हम खून पिए हैं, बाकी 15,000 रुपया डीले करो। डू आई नो यू? आई एम सॉरी। का बोले अंग्रेजी में वो? अरे यार 15,000 की बात है, तुम हमारी बातें ही नहीं सुन रहे। अरे वो मां साहब खून पी जाएगो। अरे वो मां साहब, मां साहब पाई लगी। अरे वाह लौंडे, क्या बात है, आज तुम्हारी ऐसी बेसुरी पिपूरी से ऐसे सुरीली सम्मान कैसे निकल रहे हैं? मां साहब, हमारी आपसे एक विनती है गई। माँ साहब, कुछ तो लो पैसों है ना, हमको उधार दे दो, वो जिंदगी थोड़ी हमारी बसर रह जाएगी। और क्या? बिल्कुल नहीं, विभूति भैया को मैंने 15,000 रुपये उधार दिए थे, वो आज तक नहीं लौटाए। बताइए संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माँ साहब सुनो, विभूति लो। अच्छा सारे माँ साहब हमारे। सॉरी यार। और भाई लौंडो, क्या चल रहा है जीवन में? कछु ना चल रहा हमारे जीवन में, ऐसी चल रही है हमारी जिंदगी। है सक्सेना भैया, कोई भी छोरी हमें भाव नहीं देती। हाँ हमारी जेब में धेला नहीं आएगो। अरे मोरी भैया, असल में बात यह है लौंडो के, तुम लोगों का जो जीवन है वो लटका हुआ है, ऐसे अधर में लटका हुआ है। तुम लोगों का जीवन जो है वो जीरो, यानी कि शून्य, शून्य से शुरू होता है और शून्य पे ही खत्म हो जाता है। भैया क्यों मजाक कर रहा अब हमसे? वैसे बहुत टेंशन आ रही है हमारी जिंदगी में। मजाक नहीं करता मैं लौंडो, मजाक तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, खरी बोलता हूँ। और सच बात ये है टीका, कि तेरी जो ये शक्ल है ना, ये किसी जंगली गेंडे जैसी है। तो हिरनी तो दूर, कोई गेंडनी भी तेरे ऊपर लाइन नहीं मारेगी टीका। और मलखान, तेरी जो शक्ल है वो बंदर जैसी है। तेरी शक्ल बंदर जैसी है और तेरी जो अकल है वो गधे जैसी है। तो तू इस लायक नहीं है बेटा, तेरी औकात नहीं है कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। तो मैं तो दिल से यही कहना चाहूंगा कि डूब के मर जाओ यार, गंगा नदी में कूद जाओ, है ना।
तो उससे फायदा ये होगा कि तुम दोनों की जो आत्माएं हैं वो तुम दोनों के घिनौने गंदे बदबूदार शरीर से निकल के किसी पवित्र शरीर में प्रवेश करेंगी, तो ये होगा इंसानियत पर तुम लोगों का बहुत बड़ा एहसान। क्या होगा? बहुत बड़ा एहसान।